अब दो तीन दिन से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आसाम की सड़कों पर चल रहा हूं। मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जरा फिर से बोलना। ये बड़ा टैग है, जहां भी जाके पूछो। ये आप मत सोचो कि ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। मैं ये सवाल कोने कोने में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? और जो ये देखो, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, युवा, बेरोजगार युवा, किसी से भी पूछो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आता है जवाब। अब यहां से दो तीन किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लैकार्ड फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहां के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मगर बीजेपी के नेताओं को आसाम के युवाओं को बताना चाहिए कि आज आसाम के किसी भी युवा को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। यहां के युवा स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जेब से पैसा देते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद पता लगता है कि असम में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो, यहां पे आपको जॉब नहीं मिल सकता। इसका जवाब नरेंद्र मोदी और आपके चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। इसका जवाब नहीं देते हैं। आज मैं जो चाय के मैदान में काम करते हैं, मजदूर भाई जो चाय के मैदान में काम करते हैं, वो आए मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हमारा रेट बढ़ाएंगे, 350 रुपए का कर देंगे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? कहते राहुल जी, बीजेपी ने हमसे सीधा अपने मैनिफेस्टो में झूठ बोला। फिर मुझे कहते राहुल जी, जब हम बीमार होते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है, हमने अपने जेब से पैसा देकर एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। उससे पहले चार युवा आए, मुझे कहते राहुल जी, हमारे जैसे 150,000 युवा हैं, हमने क्या गलती की?
मैंने पूछा क्या हुआ, कहते राहुल जी 1,50,000 युवाओं ने सालों आर्मी में भर्ती करने की कोशिश की, टेस्ट लिया, रनिंग की, फिजिकल किया, मेडिकल किया, मोदी जी की सरकार ने हमें कह दिया, लिख के कह दिया कि आपको आर्मी में एक्सेप्ट कर दिया गया है। फिर कोविड आया, कहते हैं कि अभी ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए, कोविड आया है, कोविड के बाद में आपको आपको आर्मी में लिया जाएगा। 3 साल 1,50,000 युवाओं को नचाया, कहा कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, और फिर 3 साल बाद कहते हैं तुम्हें हम आर्मी में नहीं लेंगे, ना तुम अग्निवीर बन सकते हो, ना तुम्हारे लिए आर्मी में जगह है। 1,50,000 युवाओं ने आर्मी में जाने का सपना देखा था, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में इन युवाओं ने अपनी जिंदगी के 3-4 साल दिए। हिंदुस्तान की आर्मी कहती है कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, 3 साल बाद हिंदुस्तान की सरकार कहती है तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सेना में जगह नहीं है। तो यह सुनने को मिल रहा है, किसान आते हैं कहते हैं खून पसीना लगा देते हैं हम, 24 घंटे खेत की देखभाल करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सो नहीं पाते, और फिर जब टाइम आता है अनाज को बेचने का टाइम आता है, हमें पता लगता है कि हमें सही रेट नहीं देती सरकार। ये आपके साथ हो रहा है, मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के टीवी पर आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। आपको बॉलीवुड के बारे में बता देंगे, ऐश्वर्या राय के बारे में बता देंगे, क्रिकेट दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको चुभते हैं, जो आपका दर्द है, आपके जो सपने हैं, इनके बारे में आप इनके इनके बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कंट्रोल कहीं और है। पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते हैं मीडिया पे आता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना होगा, और इसलिए हम 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4,000 किलोमीटर। और उस यात्रा में मैं आपको बताऊं, सुबह उठते थे, रोज 25-30 किलोमीटर चलते थे, रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकानी नहीं हो रही, जैसे आज सुबह हम निकले 8 घंटे हम आपकी सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट को मारा, मगर कोई थकान नहीं हो रही, कोई थकान नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं अपने आप से पूछा भी क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि असम की जनता का प्यार
असम की जनता की शक्ति हमारे साथ है, ये इसलिए हो रहा है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम यहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपकी बात सुनने आए हैं, लव यू ब्रदर, आपके हम बात सुनने आए हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, बेरोजगार युवाओं की बात, जिनको सेना से हटाया गया उनकी बात, और अंत में 15-20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। और असम की जनता ने, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2-3 दिन में दिल खोलकर प्यार दिया है। ये 10-15 लोग हैं बीजेपी वाले, झंडे लिए घूमते हैं, नारे लगाते हैं, मगर असम का जो आम आदमी है, जो युवा है, माताएं बहने हैं, किसान है, मजदूर हैं, इन सब ने दिल खोल के हमें प्यार दिया है, पूरी की पूरी शक्ति हमारी यात्रा में दी है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, और ये कभी जिंदगी भर मैं नहीं भूलने वाला। और देखिए, बहुत बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता चले गए हैं, और जितना उनमें अहंकार होता है, जिनके उनके दिल में नफरत होती है, उतनी जल्दी वो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यहां पे सरकार सोचती है कि असम की जनता को डराकर, धमकाकर दबाया जा सकता है। असम की जनता को कोई नहीं दबा सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है जो असम की जनता को दबा सकता है। ये नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, इससे किसी का फायदा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, जैसे मैंने पिछली यात्रा में कहा और यहां दोहराऊंगा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, ये हमारा काम है। ये आप सड़कें देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, एयरपोर्ट देख लो, रेलवे लाइन देख लो, कंप्यूटर क्रांति देख लो, सफेद क्रांति, हरी क्रांति देख लो, ये सब हम लाए हैं, कांग्रेस पार्टी लाई है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाती है, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये फर्क है हम में और उनमें। और देखिए, हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट को कल के फंक्शन में नहीं बुलाया, अपने कैबिनेट को नहीं बुलाया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये चल रहा है, एक व्यक्ति के लिए पूरा देश चलाया जा रहा है, उनके 2-3 अरबपति मित्र हैं, अदानी जी हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों का अनाज, माइंस, जो भी इनको चाहिए इनके हवाले कर दिया जाता है। तो बीजेपी क्या करती है, असम की जनता को लड़ाती है, मणिपुर की जनता को लड़ाती, और फिर जो उनका है, जो उनका धन है, उसको छीन के ले जाती है, अपने 2-3 बड़े मित्रों को दे देती है। मणिपुर को देखिए, आग लगा दी वहां पे, 6 महीने हिंसा चल रही है, गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गया। कांग्रेस का प्रधानमंत्री 3 दिन के अंदर आपको वो मणिपुर में दिखता, और 4th दिन वहां की आग बुझ जाती।
ये नहीं है भाई और बहनों कि हिंदुस्तान की सरकार मणिपुर की आग को नहीं रोक सकती है। अगर प्रधानमंत्री ने सेना को ऑर्डर दिया तो 3 दिन के अंदर हमारी सेना मणिपुर में आग बंद कर देगी। मगर बीजेपी लोग नहीं चाहते कि मणिपुर में आग बंद हो, इसलिए प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सेना को ऑर्डर नहीं देते हैं कि यह तमाशा बंद करो। भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य है। मणिपुर में हम गए, हमने भाईचारे की बात की, लोगों को जोड़ने की बात की, उनका दर्द समझा, उनके साथ गले मिले, और वही काम हम असम में कर रहे हैं, वही काम हमने अरुणाचल में किया, वही काम हम बंगाल में करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र तक। आपकी आवाज सुनने, आपका दर्द समझने के साथ खड़े होके जो आपके आपके मुद्दे हैं उनके लिए लड़ने। आप यहां आए, रात का समय है, खारगे जी को निकलना है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इतना प्यार दिया, हर सड़क पे, हर कोने कोने में असम की जनता आती है, मुझसे गले लगते हैं, कोई फूल देता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई गमछा देता है, तो इस प्यार के लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं, कोई भी बात हो, चाहे चाय चाय गार्डन की बात हो, युवाओं की बात हो, जो भी आप चाहो, हम ऑपोजिशन में हैं, पार्लियामेंट में रख सकता हूं, और जब सरकार में आएंगे, असम में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, तो पूरी आपके साथ मिलकर आपका काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। न्याय का हक मिलने तक।